आज मैं शेयर करूंगी नो अनियन नो गार्लिक छोले की रेसिपी। बहुत ज़्यादा डिलीशियस टर्न आउट होके आता है, आपको इसको ट्राई देना बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैन में ले लेंगे ऑयल और घी, दोनों गर्म हो जाएगा ऐड कर देंगे हींग, जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी के टुकड़े, जावित्री, क्लोव्स, स्टार एनीस और ब्लैक पेपर कॉर्न। हरी इलायची भी ऐड करेंगे और काली बड़ी इलायची, एक लाल सूखी मिर्च। इन सबको एक अच्छा सा मिक्स देके भून लेंगे, कल अरोमा आ जाएगा तब तक। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ टमेटो और जिंजर का पेस्ट, इसको हम ना एक अच्छा सा मिक्स देके भून के पका लेंगे। ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, छोले का मसाला, अनारदाना को रफली क्रश करके ऐड करेंगे, कश्मीरी रेड चिली का पाउडर और गरम मसाला ऐड करके भून के पका लेंगे मसाले को। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चाय पत्ती का पानी फॉर दैट ब्लैक कलर। अगर आपको काला काला कलर नहीं चाहिए छोलों में तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो एक अच्छा सा मिक्स देके भून के पका लेंगे मसालों को। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा शक्कर, सारे टार्टनेस को बैलेंस करने के लिए। कस्तूरी मेथी को हल्का सा रफली क्रश करके हम इसमें ऐड कर देंगे और एक अच्छा सा मिक्स देके मसालों को फिर से भून के पका लेंगे। मसालों को हमें लगभग 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है। मसाले अच्छे से भून गए, अरोमा एंड ऑयल दोनों रिलीज हो चुका है, तो ऐड कर देंगे बॉयल छोले। और इसको मैंने ना नमक और पानी डाल के छोले को सिर्फ बॉयल कर लिया था और कुछ नहीं ऐड किया था बॉयलिंग के वक्त पे। एक अच्छा सा मिक्स देके पका लेंगे तब तक जब तक कि वाटर जो है इवेपोरेट ना हो जाए और एक अच्छा सा सिजल की आवाज़ आएगी, तब तक हम इसको भून के पकाना है। देखिए इतने अच्छे से जो सिजल की आवाज़ है वो आ चुकी, तो हम इसमें ऐड कर देंगे चाय पत्ती का पानी। आप इसमें नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं अगर आपको ना ब्लैक कलर नहीं चाहिए छोलों में तो। और इसको एक अच्छा सा मिक्स देके हम इसको ढक के पकाएंगे। आप यहाँ पे नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं, अगर आपने उबालने के वक्त पे चाय पत्ती का पानी डाला ना तो यहाँ पे आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। देखिए अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा नमक एंड पानी। और यहाँ पे मेरा जो छोला है वो तैयार हो चुका है, तो जो सारे होल स्पाइसेस हैं जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं डिस्कार्ड कर ले रही हूँ, आप चाहें तो इसको रहने दे सकते हैं। और छोलों को फटाफट से हम डिश आउट कर लेते हैं। और इस डिलीशियस छोले के लिए एक अमेजिंग सा टेम्परिंग तो ज़रूरी है, तो तड़का पैन में ले लेंगे घी और कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ मैं यहाँ पे, हरी मिर्ची स्लिट करके, कश्मीरी रेड चिली का पाउडर एक अच्छा सा मिक्स देके आप इसको भून लीजिएगा। ऑफ द फ्लेम ऐड कीजिएगा रेड चिली का पाउडर और इस टेम्परिंग को पोर कर दीजिए आपके छोले के ऊपर। रेसिपी पसंद है लाइक दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गिव मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, कंसीडर हिटिंग दैट बेल आइकन। थैंक यू वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।